इस किस्से की शुरुआत 1188 से लेकर 1210 के दरमियान मानी जाती है। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान की सरजमी पर अंग्रेजों ने अपने नापाक कदम नहीं रखे थे। हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक उस वक्त देवास की रियासत एक हिंदू महाराजा के पास हुआ करती थी। देवास के जंगलों के अंदर मौजूद है एक पुरानी मस्जिद, जहां पर कभी रहा करता था जिन्नातों का एक पूरा परिवार। लोगों के मुताबिक कई सदियों पहले जिन्नातों का एक काफिला देवास से गुजर रहा था और यहां के माहौल को देखते हुए वहीं बस गया और अपनी इबादत के लिए यहां मस्जिद बना ली। इस हैरतअंगेज घटना को अपने कानों से सुनते ही तत्कालीन महाराजा ने तुरंत उस जगह का जीर्णोद्धार कराया और उनका परिवार जिन्नातों की खिदमत और जियारत में लग गया। सूत्रों के मुताबिक उस भग्नप्राय मस्जिद का जीर्णोद्धार होते ही कई हैरतअंगेज चमत्कार होने लगे। कहा जाता है महाराजा और उनके परिवार की खिदमत और जियारत से खुश होकर जिन्नातों ने उन पर खुशियों की बरसात कर दी। तत्कालीन महाराजा और उसके परिवार के लोग जिन्नातों के द्वारा किए गए हैरतअंगेज चमत्कारों से खुश होकर उस मस्जिद का नाम कलंदरी मस्जिद रख दिया और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक सन 1776 के दौरान तत्कालीन मोती राजा ने इस मस्जिद को और भव्य रूप दे दिया और इसका नाम मोती मस्जिद रख दिया। लोगों के मुताबिक इस मस्जिद में रहने वाले जिन्नातों के रहमो करम मोती राजा पर भी हुए और उनके राज पर कभी कोई आफत नहीं आई। कहा जाता है पिछली सदियों में कभी किसी कारणवश ये मस्जिद फिर से गुमनामी के अंधेरों में कहीं गुम हो गई थी और लोग इसे भूल चुके थे। मैं एक बार यहाँ भेज चराता आ गया था तो ये पास में नाले में यहाँ पर भैंस चराते चराते भैंस बैठ गई। मैं घूमता फिरता इधर आ गया, मैंने देखा कि यहाँ पे दरगाह शरीफ है। सबसे पहली तो मुझे कावा चाहिए और उस आवाज ने मुझे ये सुनाया शहबाज बेटा शहबाज। सबसे पहली बार ये कृष्णा देखा मैंने। कुछ तो है, मैं अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं काली मस्जिद का रहस्य। लोगों के मुताबिक मध्य प्रदेश के देवास जिले में मौजूद एक मस्जिद में रहता है जिन्नातों का एक पूरा परिवार जो यहां पर आने वाले लोगों का करता है रूहानी इलाज। काली मस्जिद का रहस्य जब इस पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कई तथ्य उभर कर सामने आने लगे। कहा जाता है रूहानी ताकतों की गिरफ्त से छुटकारा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के दाता मीर, मध्य प्रदेश में मौजूद हुसैन टेकरी के अलावा देवास की काली मस्जिद पूरे भारत में मशहूर। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ हर गुरुवार के दिन सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान,
अपनी अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं। कहा जाता है अगर यहां मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालुओं के द्वारा पकवान बनवाया जाता है। यहां पर आने वाले श्रद्धालु अगर अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं तो उसे पूरा होने पर अपने बच्चों के वजन के बराबर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। गौर से देखा जाए तो काली मस्जिद पर आने वाले हर शख्स अपनी पूरी श्रद्धा से जन्नतों की इबादत करता है। मैं जो है संतान के लिए आया था यहाँ पे, औलाद नहीं थी अपने घर पे, शादी कई वर्षों बाद जो है संतान हुई है। 5 साल का इलाज करवाया मैंने चोइथराम कैलाश गटर कोठाई नर्सिंग होम में, और मायूस होके मेरे बाबा की अर्जी लगाई थी तो फिर संतान हुई हमारे। कि मन में विश्वास है और मैं आता हूँ और आस्था से मेरे को सुकून मिलता है और शांति मिलती है। मेरे को आज तक किसी प्रकार का भी ना तो कोई बीमारी हुई और ना ही कुछ हुआ, सारा संकट भी मेरा दूर हो गए और वह करम बाबा का आपका मेरे ऊपर। सूत्र कहते हैं ये भारत की पहली ऐसी मजार है जहां मरीज के आते ही यहां पर मौजूद रूहानी ताकत भूत प्रेतों को अपने आगोश में ले लेती है और जब तक वो मरीज ठीक नहीं होता तब तक रूहानी ताकत उसे छोड़ती नहीं। भतीजी है निर्मला, क्या हो गया इनको तकलीफ है शरीर में? ये घूमना बेसुध होना भी है तो यहाँ आने से इसको काफी आराम लगा है। जैसे किसी को हवा लग जाना, बाधा हो जाना और भूत चुड़ैल वगैरह कुछ हो जाती है तो वो जो है यहाँ हजरत के मजार पर से जो है आने के बाद वो छुटकारा हो जाता है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके जिनकी गोद काफी दिनों से सुनी है उनकी गोद भरी जाती है यहाँ पे, उनके बच्चे होते हैं यहाँ पे। काली मस्जिद से जुड़े हुए हैं कई रहस्यात्मक पहलू। जानकारों के मुताबिक मजार जैसी दिखने वाली काली मस्जिद असल में मजार नहीं है बल्कि यहां 9 जिन्नातों के पूरे परिवार की बनी हुई है एक कब्र जो 75 स्क्वायर फीट की है। कहते हैं काली मस्जिद में रहने वाली रूहानी ताकतें किसी भी ऊपरी हवा का असर चंद लम्हों में खत्म कर सकती है और शायद यही वजह है कि सैकड़ों मरीज हर हफ्ते यहाँ आते हैं और अचंभित रूप से ठीक होकर जाते हैं। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं साहब आप इंतजार कीजिए, हमें ये तकलीफ है, हमारा ये काम है या वैसा है, कोई कोमा में चला गया तो लोग कोमा में बॉम्बे हॉस्पिटल भी ले गए मुझे, वहां भी आपके कर्म से लोग अच्छे हुए, कोमा में से होश में आ गए। मैंने ऐसे कुछ सरकार का इशारा हुआ वो चीज ले जाकर के उतार दी, वो कुमार में खुश ना हो। भूत प्रेत और ऊपरी हवा से परेशान मरीज जब यहां पर आकर मजार के करीब बनी जगह पर बैठते हैं तो उन पर चंद मिनटों के अंदर रूहानी ताकतें अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। कहते हैं यहाँ पर मौजूद रूहानी ताकतें पीड़ितों के शरीर पर रहने वाले ऊपरी वजूद को तहस नहस कर डालती हैं जिसकी आवाजें पूरे परिसर में गूंजती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने देखा यहां पर मरीज चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगते हुए नजर आते हैं और उनके अंदर छिपी शैतानी ताकतें ये खुलासा करती हैं कि उसने शरीर को कब और कैसे पकड़ा, ये आगे वो कब तक इसे छोड़कर जाने वाली है। जो भी मतलब आशीर्वाद वाले हैं, जो भी भला वाले हैं, जो सरकार में दाखिल होते आस्थाने में और उनका रिमांड चालू हो जाता है, बस वो बयान करता है सब सरकार में,
कि मैं अब चला जाऊंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब आ गया हूं, अब गलती से नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। रिमांड होते हैं, सो घोड़े पड़ते हैं, एंटर पड़ते हैं, घोड़े की टाप पड़ती है और वो हर कोई नहीं देख सकता।